हेलो नी हाउ अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज का जो व्लॉग है थोड़ा सा डिफरेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज हम कहीं घूमने फिरने नहीं जा रहे। आज इधर हीरोमिट्री में आया और बाइक्स आपको प्राडो का थोड़ा सा तारुफ करवाना है। ये इधर भी है, पीछे जनाब साहब मालिश कर रहे हैं उसकी, और एक वो पीछे भी है। तो आज जो है आपको थोड़ा सा इन बाइक्स के बारे में बताना है कि ये कौन सी बाइक्स हैं, क्या सीन है इनका, चाइना में किस तरह आप ये बाय कर सकते हैं। बाय का तो वो आसान ही है, भाई पैसे लेके जाओ और ले आओ, लेकिन इसके बारे में बताना है कि मतलब क्या सीन है, भागती कितना है, लाइसेंस और ड्राइविंग, ये वो यार सारा सीन जो है। तो आज वैसे हमारा लग गया लॉकडाउन टंगचो में, तो आज और तो कुछ है नहीं, तो बाइक धोने के लिए हम आ गए नीचे। अभी तकरीबन दिन के 2 बजे हुए, 12 और 2 सॉरी। और ये पीछे हमारा गेट है, वो सामने डॉर्मेट्री का आप देख सकते हैं, उसे बिल्कुल बंद किया हुआ है और लॉक है, ताला लगा हुआ उधर, तो इसलिए घूमना फिरना बंद, बस इधर डॉर्मेट्री में ही। आज जो है बाइक फिर आपको दिखाते हैं, धोने लगे हैं वैसे हम। आज हम बाइक धोने वाले हैं, ये बाइक को धो के फिर आपको मैं सारा गाइड करता हूँ, इसके बारे में हर चीज़ बताता हूँ बाइक के बारे में। और ये सामान वगैरह जो है, ये ट्रिक वो क्या कहते हैं, प्रेशर देने के लिए, ये बाल्टी में इलेक्ट्रिक मोटर, मतलब हर चीज़ वो है बैटरी पे, वो कोई तार वगैरह नहीं है, इधर पंप इधर डालो बाल्टी में और चलो भाई। तो ये बाइक धोने के सारे टूल्स वगैरह और स्प्रे और खोलने वगैरह, ये सारा सीन जो है। तो ये पॉलिश वगैरह हो गई, और ये ऑयल और ये दूसरी चीज़ें वगैरह जो है, ये भाई सारे उस्ताद हैं। तो ना स्टार्ट करते हैं, तो यार बाइक को धो लिया हमने, इधर सारी अच्छी तरह इसकी मालिश कर ली है, वो आपने देख ही लिया होगा। तो अभी जो सीन है, अभी मैं आपको इसके बारे में बताने लगा हूँ कि ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ इस बला का नाम क्या है, और उसके बाद इसकी स्पेसिफिकेशंस, फिर चलता है ये चार्जिंग कितनी करता है, ये वो हर चीज़ है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो यार सबसे पहले इसके नाम पे आते हैं, बाइक के नाम पे डुकाटी, ये है इलेक्ट्रिक बाइक है, कोई मोटर शोटर नहीं लगी हुई, चेक करें, बिल्कुल ओरिजिनल इलेक्ट्रिक बाइक है, मोटर शोटर कुछ भी नहीं है। ये इसका बॉक्स है इस जगह पे, ये इधर ये बॉक्स है, इधर बैटरियाँ इसकी 12 बैटरियाँ इसकी टोटल। और इसकी जो शेप है वो दूसरा बाइक होता है डुकाटी पेनिगेल V4, उसकी शेप है इसकी, चेक करें ज़रा, ओरिजिनल हैवी बाइक की तरह लगता है या नहीं। और जो है मीटर के बारे में बात करें, तो मीटर जो है इधर वैसे तो लगा हुआ है, कितने तक, 130 तक है, लेकिन ये भागता है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये हम फुल इसकी रेट्स पे चला सकते हैं। ये इसके गियर भी हैं इस साइड पे, ये पार्किंग और ये दूसरा रिवर्स, ये नॉर्मल, और ये एस पे जो है फास्ट हो गई, लाइट्स वगैरह, लाइट्स इसकी बड़ी हेड लाइट्स हैं ये, इधर ये दूसरी क्या बोलते हैं यार इसको, लेज़र लाइट्स हैं ये वाली, और दूसरा ये टर्न करने वाली लाइट्स ये हो गई, और
हेडलाइट्स बढ़िया आपको दिखाता हूँ। तो इसमें दो आगे दो हेडलाइट्स हैं, बहुत दूर तक जाती है रात को। ये एक नॉर्मल पे ये चल रही होती है और ये फुल जो है फुल जब ओपन करें तो ये दो लाइट्स होगी, चार होगी टोटल। तो ये बात होगी। और टायर, इसमें टायर जो है इतना इसका बड़ा नहीं है, बैक वाला। इसमें एक बड़े टायर वाला भी है मेरे दोस्त का, वो उसका टायर का साइज कितना है यार उसका साइज 200. उसका 200 है, ये अराउंड अबाउट 100 है, 150। और एक और लड़का है उसका 175 है। तो इस तरह डिफरेंट टायर्स हैं, वो मॉडल के हिसाब से डिपेंड करते हैं। ये पुराना मॉडल है, इसमें टायर थोड़ा सा छोटा है। और ये इधर मोटर है, इस जगह पे इसकी मोटर है जो इलेक्ट्रिक मोटर होगी। कोई चेन वेन कुछ भी नहीं है, चेन शेन कुछ नहीं, वही मोटर लगी हुई है। तो ये ब्रेक्स हो गई इसकी, डिस्क ब्लेड्स। ये आगे का फ्रंट व्हील हो गया। और ये सारा सीन है। तो और बैटरी चार्जिंग के बारे में बात करें तो ये तकरीबन 8 घंटे में जो है फुल चार्ज हो जाता है फुल। और आपको इसको चला सकते हैं तकरीबन 85-90 किलोमीटर तक जो है आप इसको इजीली चला सकते हैं, वन पर्सन हो अगर इस पर। तो अगर आप इसको ज़्यादा स्पीड में चलाएंगे, फास्ट जाएंगे, तो फिर इसकी बैटरी जो है कम करेगी, कम किलोमीटर्स में, लाइक 60 किलोमीटर्स अगर आप ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं। तो ये डिपेंड करता है वेट पे और स्पीड पे आपकी। अगर ज़्यादा देर तक आपने चलाना है तो आप नॉर्मल में इसको बार बार रेसिंग जिस तरह हम देते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं, वो वाला सीन ही। नॉर्मल रेस पे एक स्पीड पे जाएं तो ईजीली आप 90 किलोमीटर कर सकते हैं 1% पे। तो बड़ा ज़बरदस्त सीन है। इधर चाइना में मोस्टली बाइक्स हैं वो इलेक्ट्रिक ही बाइक्स हैं, और जो दूसरी हैं उनका तो काफ़ी ख़र्चा है, जो पेट्रोल बाइक होगी, हैवी बाइक्स होगी, वो भी हैं। लेकिन ये बहुत ईजी, इसकी तकरीबन प्राइस के बारे में अगर बात करें तो है सर तकरीबन, ये जब ये बाइक लिया था ये था 8000 RMB का आया था, तकरीबन 8000 RMB, 100-200 काम कर सकते हैं आप। और जो इस अब जो मॉडल्स आ रहे हैं वो महंगे हैं इससे, क्योंकि ये इसका ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है ना इधर, तो इस वजह से जो है इसका प्राइस जो है बढ़ने लग गया है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है इसकी, लेकिन बहुत अच्छी भी है, मतलब इस हिसाब से हैवी बाइक। और इसके साइज़ और इसकी शेप हर चीज़ के हिसाब से जो है वो ज़बरदस्त है। क्वालिटी में कुछ चीज़ें हैं जो मुझे जो अच्छी नहीं लगती, वो एक तो इसका ये मसला है, इधर नीचे जब ब्रेक लगाते हैं तो ये नीचे लग जाता है, तो इधर निशान वगैरह नहीं लगा। तो बस ये सारी चीज़ें हैं मैंने कहा आपसे शेयर करूँ, क्योंकि हमारा लॉकडाउन लग गया। तो ये भाई साहब वेट कर रहे हैं कोई सामान मंगवाने के लिए। ब्रो लेट मी शो देम, ये लॉकडाउन लगा हुआ है सर, ताले लगे हुए हैं डॉर्मेट्री, बाहर भी कोई बंदा चंदा नहीं है, सारी शॉप्स वगैरह बंद है। हम वेट कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं सामान वगैरह के लिए। तो ये सर आज का हमारा था, हमने बाइक पहले साफ़ किया है, फिर इसके बाद मैंने आपके साथ इसका शेयर किया। और एक और चीज़ मैं जो भूल गया हूँ वो ये कि आपको इस बाइक के लिए, इलेक्ट्रिक बाइक के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूसरा पेट्रोल बाइक चलाएंगे तो आपको उसके लिए लाइसेंस मस्ट है, लेकिन इसके लिए लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, बगैर लाइसेंस के चला सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक है। और दूसरे पीछे खड़े हैं काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक बाइक्स। लेकिन ये भी अच्छे हैं। और ये होता है 8 घंटे में वो बताया चार्ज होता है, चार्ज वो फास्ट चार्जिंग से, एक स्लो चार्जिंग होता है उसमें 10 घंटे होता है चार्ज। तो एक दिन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, एक दिन में आप जो है इसको इजीली आराम से सारा दिन आपका निकाल सकता है, मतलब आपने इतना ज़्यादा नहीं चलाना होता, 80 किलोमीटर एक सिटी के अंदर अगर आप रहें तो बे कमाल की चीज़ है ये। आपको मैं वैसे एक थोड़ा सा जो है डेमो देता हूँ, क्या सीन है इसका, कोई आवाज़ कोई साउंड oh,
इधर रखो। अच्छा तो गाइस इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी है सारा कुछ जो मुझे डिटेल का पता था। अगर आपने फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।